हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेनर इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। अर्थात जब मार्केट में बहुत तेजी का माहौल हो और तेजी के मोह माया में फंस के जब सब लोग हाई वैल्यूएशन पे भी बहुत जबरदस्त खरीदारी कर रहे हो तो हमें डरा हुआ होना चाहिए, और जब मार्केट में डर का माहौल हो, जब सब लोग बेचने की कगार पे बैठे हो, तब हमें खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। सक्सेसफुल इन्वेस्टर पीटर लिंच, इनकी फिलॉसफी पढ़ते हैं तो वहां पे भी समझ में आता है, मार्केट में अगर गिरावट है, मार्केट में अगर क्रैश है, तो क्रैश इज अ गिफ्ट। अगर शेयर मार्केट में गिरावट है, माहौल मुसीबत का है, तो आपका नजरिया तय करेगा म से मुसीबत है या म से मौका है। देखिए, इम्पॉसिबल शब्द को भी ढंग से पढ़ते हैं तो वह शब्द खुद कहता है आई एम पॉसिबल। अगर घड़ी बंद है तो बंद घड़ी भी दिन में दो बार सही टाइमिंग दिखाती है। या आपका नजरिया तय करता है म से मुसीबत है या म से मौका है। शेयर मार्केट में जब तेजी की रोशनी होती है तो तेजी के रोशनी में ट्रेड करना आसान हो सकता है, लेकिन जब मंदी का अंधेरा छाता है तो मंदी के अंधेरे में भी कुछ सितारे चमक सकते हैं। मंदी के माहौल में किस प्रकार से सोच विचार करें, किस प्रकार से ट्रेड करें, किस प्रकार से इन्वेस्ट करें, अगर जानना चाहते हो, प्रैक्टिकली समझना चाहते हो, तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। जब शेयर मार्केट में डाउन ट्रेंड हो, शेयर मार्केट में मंदी चल रही हो, या शेयर मार्केट में हायर वैल्यूएशन से गिरावट हो रही हो, कभी ब्लैक मंडे, कभी ब्लैक ट्यूसडे, कभी ब्लैक फ्राइडे, मार्केट में जब मंदी के बादल मंडरा रहे हो, तो किस प्रकार से एनालिसिस करें, एग्जांपल के साथ समझते हैं। फरवरी 2021 तक का डेटा एनालाइज करें तो शेयर मार्केट में जो शेयर्स की कीमत होती है, वैसे ही हर एक शेयर के पीछे कंपनी होती है, उन कंपनियों की अर्निंग और शेयर मार्केट में जो शेयर्स की कीमत है, इनका डेटा कंपेयर करने के बाद यह समझ में आ रहा है शेयर मार्केट जो है फंडामेंटली गिरावट आने के बावजूद भी महंगाई है। अब यहां पे शेयर मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करते हैं, मतलब चार्ट को एनालाइज करते हैं, तो मोमेंटम चार्ट को एनालाइज करने के बाद यह समझ में आता है शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म चार्ट अनुसार नीचे जाने वाली सीढ़ी जैसा ग्राफ बना रहा है, मतलब मोमेंटम जो है निगेटिव है। जब मार्केट में मंदी का अंधेरा छाया है तो इस अंधेरे में कहां पे निवेश का मौका बन रहा है, वो ऐसे कौन से सितारे हैं जो चमक रहे हैं। अभी जब लोग टफ टाइम का सामना कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का दौर शुरू है, वैक्सीन को देश के हर एक कोने में पहुंचना जरूरी है, वो ऐसी कौन सी कंपनी है इस वैक्सीन को लगने वाली कोल्ड स्टोरेज को प्रोवाइड करने में मार्केट लीडर है, उस कंपनी का नाम है ब्लू स्टार। एक तरफ जहां पे मार्केट मंदी के चपेट में है, वहीं पे इस कंपनी के शेयर के चार्ट स्ट्रक्चर अनुसार इस कंपनी के शेयर में तेजी का माहौल है। तो मार्केट जहां पे म से मुसीबत बता रहा है, इस कंपनी के शेयर में म से मौका बन रहा है। तो एज ए एजुकेशन पर्पज हम यहां पे बताना चाहेंगे, अगर आपने शेयर मार्केट में पहले पैसे बनाए हैं या रिस्क को अफोर्ड कर सकते हैं तो यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होने के कारण अभी अगर निवेश करना है तो निवेश को कम रखना है। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल बेहतरीन है लेकिन टेम्पररी प्रॉब्लम के कारण अगर कंपनी के शेयर में गिरावट आती है तो वहां पे निवेश का मौका बनता है। इस टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, अगर अब तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। उस एपिसोड में हमने आपको IRCTC इस कंपनी के बारे में एजुकेट किया था। अगर वहां से अब तक का डेटा एनालाइज करें तो कंपनी के शेयर ने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। इस मंदी के माहौल में भी इस कंपनी के शेयर के चार्ट स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं तो इसका सितारा चमक रहा है। IRCTC के माध्यम से हम रेलवे की बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में इसी माध्यम से हम बस की बुकिंग करने की सुविधा प्रोवाइड हो रही है। कंपनी का कस्टमर बेस बढ़ रहा है, कंपनी बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाती है। जब टफ टाइम गुजर जाएगा तो कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अच्छी इंप्रूवमेंट होना स्वाभाविक होगा। तो इस कंपनी में भी एज ए एजुकेशन पर्पज हम बताना चाहेंगे हम निवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होने के कारण यहां पे भी निवेश करते हैं तो निवेश को कम रखना है। शेयर मार्केट में अगर गिरावट बढ़ती है तो यहां पे मौका भी बढ़ता है, और जिन कंपनियों के पास सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है उन कंपनियों में हम निवेश का पिरामिड बना सकते हैं। निवेश करते समय रिस्क तो होगी, लेकिन कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, और ये इश्क में हम ऐसे डूबे रहते हैं, कहने वाले कहते हैं लोग डूब के मर जाते हैं, लेकिन हम तो डूब के जिया करते हैं। शेयर मार्केट में वो कौन सी कंपनियों के शेयर्स है जो चार्ट स्ट्रक्चर अनुसार तेजी के संकेत दे रहे हैं, इसके बारे में अगर आप एजुकेट होना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्यामनी, उसको डाउनलोड कीजिए, और उसमें चाहे तो स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए निवेश का पिरामिड बनाना चाहते हैं, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं पोर्टफोलियो कैसा हो, तो इसके लिए जो हमारी स्पेशल सर्विस है वेल्थ कंपाउंडिंग मशीन, उसको भी चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप भारत के लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे तो उसका फायदा उठा सकते हैं। इस एपिसोड में जिन भी कंपनियों के बारे में आपको बताया गया है एजुकेशन पर्पस से बताया गया है, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जिन कंपनियों के बारे में बताया गया है वहां पे मेरा मेरी कंपनी का निवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरा मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है, ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। जब टफ टाइम चल रहा हो, जब माहौल मंदी का हो, वो ऐसी कौन सी बात हमें याद रखना जरूरी है जो हमें आशा की किरण देगी, जो बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, जो बीरबल ने अकबर को बताई थी, वो बात है ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, धन्यवाद, थैंक यू।